हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का वर्ड मीनिंग हम बताएंगे, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग हम बताएंगे। बच्चों, ये सब इंग्लिश का हिंदी मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, हो सकता है इसमें से कुछ कुछ मीनिंग आपको आता है और कुछ कुछ मीनिंग ना आता हो, इसलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं। आप इस जितने भी हम इंग्लिश का वर्ड मीनिंग दे रहे हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब हिंदी में होता है यातायात। यातायात। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है जज, जज का मतलब होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए, इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब होता है हिंदी में आकस्मिक। आकस्मिक। फिर देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट। बच्चों, आपको तो पता है स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी। फिर नेक्स्ट है एडिटर, एडिटर मतलब होता है संपादक। संपादक। नेक्स्ट है राइटर, राइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? लेखक। लेखक। नेक्स्ट है ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। नेक्स्ट है टेलीफोन, टेलीफोन का हिंदी होता है दूरभाष। दूरभाष। नेक्स्ट है प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब होता है प्राध्यापक। प्राध्यापक। नेक्स्ट है पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है मरीज। पेशेंट का मतलब मरीज। नेक्स्ट है 12th में क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। अपराधी। क्रिमिनल का मतलब अपराधी। नेक्स्ट है एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। अभिनेता। फिर बच्चों देखिए, 14th नंबर में है डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। चिकित्सक। नेक्स्ट है टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक। पर्यटक। नेक्स्ट है 16th में है ट्रेशर, ट्रेशर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है 17th में देखिए प्राइम मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब होता है चालक। चालक। नेक्स्ट है पियोन। पियोन का मतलब होता है चपरासी। पियोन का मतलब चपरासी। नेक्स्ट है कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय। 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 उसके बाद नेक्स्ट देखिए 21 नंबर में लॉयर। लॉयर का मतलब होता है वकील। लॉयर का मतलब वकील। 22 में है स्पीकर। स्पीकर मतलब प्रवक्ता। प्रवक्ता। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेयर। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। खिलाड़ी। नेक्स्ट है टीचर। टीचर का मतलब होता है बच्चों क्या होता है आपको पता है अध्यापक। अध्यापक। नेक्स्ट है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब लेखापाल। लेखापाल। नेक्स्ट है पायलट। पायलट का मतलब क्या होता है बच्चों विमान चालक। विमान चालक। जो विमान चलाते हैं यानी एरोप्लेन चलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं पायलट। नेक्स्ट है 27 में जेल। जेल का मतलब बच्चों क्या होता है कारागार। कारागार। नेक्स्ट है 28 नंबर में कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है संचालक। संचालक। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को हिंदी में कहते हैं अस्पताल। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट और इसको हिंदी में कहते हैं योजना। प्रोजेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है योजना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को कहते हैं हिंदी में विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 32 में डॉक्टरेट। डॉक्टरेट का मतलब डॉक्टर की उपाधि। डॉक्टर की उपाधि। डॉक्टर की उपाधि। उसके बाद नेक्स्ट है 33 में रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है शोध। शोध। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक। और लास्ट देखिए 35 में है इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब होता है
हिंदी में इसको कहते हैं अभियंता, अभियंता। तो बच्चों आज का वीडियो में हम आपको इतना ही वर्ड मीनिंग हम सिखा दिए, इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग, और इसके आगे और भी आपको हम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देंगे, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और बच्चों अगर आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों आप अगर पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।